मध्य प्रदेश की लाड़लियों के शिवराज मामा अब बने बुलडोजर मामा। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी सेवन न्यूज चैनल में। आप एमपी सेवन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए जबलपुर की बड़ी खबर। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने चौथे कार्यकाल के 2 साल पूरे कर रहे शिवराज सिंह चौहान अब नए अवतार बुलडोजर मामा में दिखाई दे रहे हैं। बीते 3 दिन में शिवनी, शहडोल और शोपुर में दुष्कर्म के आरोपितों के खिलाफ हुई बड़ी कार्यवाही ने इसकी पटकथा भी लिख दी है। दरअसल उनकी छवि बच्चियों के लिए हमेशा उनकी चिंता करने और ध्यान रखने वाले मामा ही रही है। पूरे देश में चर्चित लाडली लक्ष्मी जैसी योजना भी उनके इसी दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती रही है। लेकिन अब बुलडोजर मामा की नई छवि उन्हें इससे कहीं आगे ले जा रही है, यानी शिवराज मामा की लाडली लक्ष्मियों पर बुरी नजर डाली तो खैर नहीं। राजनीतिक विश्लेषक इसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी बुलडोजर बाबा की सफलता के बाद भाजपा का एक और सकारात्मक प्रयोग मानते हैं। 3 केस, केस 1 20 मार्च शोपुर, 1 घंटे में ढहा दिए 3 मकान। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपितों शहबाज, रियाज और मोहसिन खान को कोर्ट ने जेल तो भेजा ही, प्रशासन की टीम ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए तीनों के मकानों को बुलडोजर से ढहा दिए। केस 2 21 मार्च शिवनी, 3 आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर। एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में राहुल, हरिराम, निरपत, विकास और वीरेंद्र वर्मा को गिरफ्तार किया गया। राहुल, हरिराम और निरपत के घर ढहा दिए गए। केस 3 22 मार्च शहडोल, नहीं दी कोई रियायत। दुष्कर्म के आरोपी शादाब खान के मकान पर मंगलवार सुबह से ही बुलडोजर चलने लगे थे। विरोध में महिलाएं भी सामने आई, लेकिन कोई रियायत नहीं देकर सरकार के मंसूबे साफ कर दिए गए। प्रदेश में चलते रहे हैं बुलडोजर। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर बुलडोजर पहली बार चले हैं, पहले भी कार्यवाही होती रही है, चाहे वे भू माफिया हो या फिर सांप्रदायिक बिगाड़ने वाले आरोपित हो। इन 3 शहरों में लगातार बड़ी कार्यवाही ने सबका ध्यान खींचा है। तीनों मामले एक जैसे हैं। इनमें बेटियों के साथ नापाक हरकत करने वाले आरोपितों के घर ढहाए गए हैं। बुलडोजर बाबा से आगे का कदम बुलडोजर मामा। राजनीतिक विश्लेषक इसे उत्तर प्रदेश चुनाव में बुलडोजर बाबा की सफलता के बाद प्रदेश में शिवराज सिंह की नई छवि बनाने का स्पष्ट संदेश मान रहे हैं। जिस तरह से 2 दिन की कार्यवाही के बाद ही सोमवार को भोपाल में बुलडोजर मामा के नाम से होर्डिंग लगने शुरू हो गए हैं, उससे भाजपा की रणनीति का संकेत भी मिल रहा है। शिवराज सिंह बच्चियों के लिए लाडली लक्ष्मी नाम से योजना ही नहीं लाए, बल्कि समय समय पर उनमें ऐसे बदलाव करते रहे जो आम लोगों को पसंद आए, उन्हें मामा के रूप में पहचान मिली। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अब तो साल से भी कम समय बचा है। मामा का असर भाजपा देख चुकी है, अब उसके साथ बुलडोजर जोड़कर जोरदार सफलता की कहानी रचने की तैयारी दिख रही है। देखते रहिए हमारे साथ एमपी सेवन न्यूज़।